नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं स्टील प्रधान यहां पर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर बायोफ्यूल के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन नीति को आगे बढ़ाने के लिए मदद मांगी है। बघेल ने एनएमडीसी का क्षेत्रीय मुख्यालय बस्तर में स्थापित किए जाने और गैर प्रबंधकीय पदों पर स्थानीय लोगों को रोजगार की भी मांग उठाई। इस दौरान बघेल ने यहां पर धान के पुआल से एथेनॉल उत्पादन हेतु राज्य द्वारा प्रत्याशित धान की अधिक आपूर्ति के अनुमान के आधार पर जैव एथेनॉल उत्पादन पर भी पेट्रोलियम मंत्री से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही इस पर विशेष बैठक करने की बात सीएम से कही। और आपको बता दें कि हर साल 6.5% की दर से देश में ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। वहीं पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं दिन प्रतिदिन घट रहे हैं और इस दिशा में सरप्लस क्रॉप बायोफ्यूल उत्पादन अच्छा विकल्प है। बायो एथेनॉल उच्च गुणवत्ता का होता है जो कि इंजन को और अधिक शक्ति बनाता है देता है उसे, और साथ ही साथ यह वायु प्रदूषण को भी कम करने में काफी कारगर है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं रूपेश गुप्ता। रूपेश, जिस तरीके से देखा जाए घटते जो ईंधन है और बढ़ती कीमतें, पूरा विश्व इससे परेशान है, वहां पर यह पहल भूपेश बघेल की और साथ ही साथ उन्होंने और भी मांगे धर्मेंद्र प्रधान से रखी, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ के अंदर, साथ ही साथ देश के लिए कितना प्रभावी साबित होगा ये बायोफ्यूल? देखिए, बायोफ्यूल एक ऐसी बात है, बायोफ्यूल की चर्चा पूरे विश्व में होती है, बल्कि पूरे विश्व के ईंधन में मिलाया जाता है। अगर ब्राजील जैसे देशों की बात की जाए तो वहां पे जो शक्कर से बायोफ्यूल बनाया जाता है वो 10% तक मिलाया जाता है, लेकिन जो प्रचलित टेक्नोलॉजी है वो शक्कर को लेकर के है। छत्तीसगढ़ पहली बार ये कह रही है कि चावल से भी इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि चावल में भी शर्करा होता है और उससे जो बायोफ्यूल बनेगा, क्योंकि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ राइस है छत्तीसगढ़ में, लिहाजा उसको यूज करने के लिए उसको उसको कहां खपाएं, तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है बायोफ्यूल। और आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जैसे ही बने थे भूपेश बघेल, उन्होंने इस बात को लेकर के अलग अलग ग्रुप से बातचीत भी की थी और निवेशकों को बुलाया था कि यहां पे आकर निवेश करें, अमेरिका से भी कुछ लोगों को बुलाया था। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जनता के नजरिए से देखें तो जनता को ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। जनता को याद आता है कि जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो उसी तर्ज पर उन्होंने एक बात कही थी कि डीजल जो है वो खाड़ी से नहीं बल्कि बाड़ी से आएगी और पूरे प्रदेश में रतन जोत लगा दिए, जिसको लोग मजाक से रमन जोत कहते हैं। तो बड़ा दिलचस्प यह है कि उससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो लोगों के जहन में इसी बात को लेकर के शंका है। लेकिन असल चीज ये है कि चूंकि बायोफ्यूल जो है वो शर्करा से या फिर हम कहें गन्ने से, वो इस्तेमाल 10% तक भारत में भी हो रहा है और उस पर रिसर्च करने की जो चावल है, चावल के साथ जो बायोफ्यूल बनाया जाएगा उसके लिए जो इंडस्ट्री लगाई जाए उसको 10 साल तक कंसीडर किया जाए कि वो बायोफ्यूल उसी के बराबर हो, यानी कि जो एथेनॉल उससे बनाया जाता है शक्कर से। भूपेश बघेल की डिमांड यह है कि इसकी जो कीमत है वही रखी जाए जो शक्कर या फिर गन्ने से पैदा हुए एथेनॉल की रखी जाती है। तो इस तरीके से उनका यह कहना है कि जो ये एथेनॉल है चावल से बनेगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी और इसको मिलाया ही जाएगा जाहिर तौर पे, क्योंकि हम लगातार जो एम्यूशन के फॉर्मूले हैं BS3 से लेकर के BS6 तक पहुंच चुके हैं, तो इसमें इसका कंजम्पशन जो है, इसकी क्वांटिटी, इसका प्रपोर्शन वो बढ़ना है। तो ऐसे में जो शक्कर हम मिला रहे हैं, शर्करा मिला रहे हैं, उसकी जगह इसको मिलाया जा सकता है। ठीक है। वही साथ ही अन्य मांगों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। तो एनएमडीसी का जो दफ्तर है, मुख्यालय है, वो दस्तर में बनाने के साथ ही साथ वहां गैर प्रबंधकीय पदों पर बाकी स्थानीय लोगों को रखने की जो मांग उठाई गई वो, और कौन कौन सी मांगे ऐसी थी जिससे प्रदेश का भला हो सकता है, या फिर और कौन कौन सी मांगे रखी गई या चर्चा की गई जिससे अब आगे चल के कोई रास्ता निकल सकता है? क्या यहां पर जो धान खरीदी का जो मुद्दा था वो भी रखा गया, उठाया गया? देखिए, चूंकि डायरेक्ट डिपार्टमेंट प्रधान का नहीं है धान खरीदी से, न खाद्य मंत्री है न कृषि मंत्री है, लिहाजा उनसे इस संबंध में जनरल चर्चा हो सकती है लेकिन औपचारिक चर्चा नहीं हो सकती है। दूसरी चीज कि जो
छत्तीसगढ़ की डिमांड है या छत्तीसगढ़ की जो जरूरत है कि बेलाडीला की खदानों से या छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन से पूरा कोयला जा रहा है जो कि बहुत अच्छा है एनएमडीसी के पास। और आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री बने थे भूपेश बघेल तो उन्होंने एनएमडीसी के जो चेयरमैन है एन बैजेंद्र कुमार उनके साथ जब मिलने आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जब इस यहाँ से आप लोहा ले रहे हैं तो आप अपनी परीक्षाएं हैदराबाद में क्यों करवा रहे हैं। तो पहला चीज तो ये करिए कि आप परीक्षाओं को जगदलपुर में आयोजित करवाइए और उसके बाद परीक्षाएं यहाँ पे आयोजित होने की घोषणा की गई। उनकी अभी दो दिन पहले मुख्यमंत्री से फिर से मुलाकात हुई है और इस संबंध में बातचीत भी हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजों को वो तय नहीं कर सकते बल्कि मंत्री स्तर पर तय होता है। लिहाजा उनसे बातचीत की है कि जो भी रोजगार है उन रोजगार में चूंकि माइंस बस्तर की है, माइंस में के इलाके में रहने वाले आदिवासी हैं जिन्होंने हजारों साल के तक उस माइंस को बचा करके रखा हुआ है, लिहाजा उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए और जो उससे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसका मैक्सिमम फायदा उनको मिलना चाहिए। इसी के मद्देनजर उन्होंने कहा कि जो रोजगार है जो भी सृजित होता है उनमें बस्तर के लोगों को प्राथमिकता दी जाए और ऐसे ज्यादा एक्टिविटीज बस्तर के रीजन में की जाए जिससे वहां के लोगों को इसका समुचित लाभ मिल सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेश। वो करते हैं।